ना दिला मत मैडम, इधर देखिए अभी। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के जी एक मराठी मानुस थे और उन्होंने सिनेमा को यू नो वर्ल्ड मैप पे रख दिया। एक्चुअली ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री इन इंडिया, इंडियन सिनेमा, और मराठी फिल्म में डेब्यू करके एक फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड मिलना, ये एक अद्भुत, बहुत सिंबॉलिक और बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। विवाह के बाद मुझे ये ठाकरे के लिए ये पुरस्कार मिला है, सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। डेब्यू किया आपने और आपकी फिल्म मराठी फिल्म में डेब्यू किया, आपकी फिल्म को काफ़ी सराहा गया, एंड आप अब और आने वाली फिल्म, आपकी कौन कौन सी फिल्म देखेंगे? जी कंटिन्यू करेंगी या हिंदी करेंगे? वेल, ये प्लान नहीं था, बट ये ऐसा हुआ कि ठाकरे जो थी वो बाइलिंगुअल फिल्म थी, हिंदी और मराठी में, इसीलिए मेरा मराठी सिनेमा में एक तरह से डेब्यू हुआ है इस साल और फाल्के पुरस्कार भी मिला है। बट आगे जाके मैं कोशिश करूँगी कि ऑफ कोर्स मराठी सिनेमा में मौका मिला तो मैं ज़रूर मराठी फिल्म करूँगी। बहुत ही आगे बढ़ रहा है वो सिनेमा, मराठी एक्टर्स, चाहे मराठी सीरियल्स हो, मुझे हमेशा लगता है कि उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा रियल होती है। आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड। और हिंदी में ऑफ कोर्स आई लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ, वेरी वेरी डिफरेंट। जी वेल, सबसे पहले ये बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि मुझे संजय राउत सर और हमारे निर्देशक अभिजीत पांड से, सभी यू नो बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने सोचा कि मैं मीनाताई ठाकरे का रोल प्ले कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि नवाजुद्दीन के साथ काम कर रही हूँ तो कैसा होगा ये वो। मैंने सिर्फ मीनाताई ठाकरे को पे फोकस किया एंड बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि मराठी वर्जन में भी मैंने खुद डबिंग की, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एंड ऑफ कोर्स आज सबसे पहला फ़ोन जो है वो नवाजुद्दीन का आया। ही वॉज द फर्स्ट वन टू कंग्रेचुलेट मी फॉर विनिंग द दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एज मीनाताई ठाकरे एंड प्लेइंग, यू नो, मराठी सिनेमा में मुझे जो बेस्ट डेब्यू का ये अवार्ड मिला है, सो इट्स वेरी नाइस। आई थिंक वो ही एक सच्चे एक्टर की पहचान है। मुझे बहुत खुशी हुई जब नवाज जी ने मुझे फ़ोन करके विश किया। हाय, हाउ आर यू? Well, goes without saying. I think today when you say Bollywood, which is like the colloquial term for Indian cinema, everybody on the planet knows what, you know, Bollywood is Indian cinema, and they don't only know about it, they're in awe of the medium. They know it's one of the biggest mediums in the world. So I think it's a matter of huge pride, and of course, you know, actresses like Priyanka have really put Indian actresses on the world map in a very different and a big way. So I think we're already there. Yeah. उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको वापस से बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जी, मैंने सुना कि इश्क विश्क 2 बन रही है, पर प्यार सिर्फ पहली बार होता है. जो पहला प्यार है वो पहला प्यार होता है. बट आई डेफिनेटली आई नो दैट द जनरेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड इश्क विश्क 2 विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. बट जो एक कॉलेज लाइफ है और जो कॉलेज में जो मज़ा आता है वो सिर्फ कॉलेज में आता है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द होल फॉर टिप्स एक्चुअली. And I really wish that we see a new Ishq Vishq too. Can Well, Ishq Vishq की सबसे खास बात ये होगी, मुझे लग रहा है कि आप अगर नए चेहरों को देखें, जैसे मेरा शाहिद का डेब्यू था, मेरा भी ऑलमोस्ट डेब्यू था उस साल. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू सी रैंक न्यू फेसेस विथ नो बैकग्राउंड एंड लेट पीपल फॉल इन लव विद देम लाइक दे फेल इन लव विद राजीव एंड पायल ऑफिशियल. सॉरी, इस बार I'm not following the game right now. IPL मैं इस बार नहीं follow कर रही हूँ. Well, Virat of course is my favorite all time. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. अरे यहाँ पे right side. कैसे कम ये मुझे दूसरी बार मिल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण रहा है. पहली बार मैं अपने मॉम डैड के साथ आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि तुम खुद ही जाकर ले आओ. बट आई थिंक लाइक एक वैलिडेशन, मैंने कहा है कि अवार्ड सारे एक वैलिडेशन होते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए यू नो कि आपको आपको उसके लिए सेलिब्रेटरी एक मोड होता है, क्योंकि कभी कभी आप काम में इतने ज़्यादा लाइक व्यस्त हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना काम कर लिया. देन यू लुक बैक एंड देन यू सी कि हाँ यार बहुत फ्रूटफुल ईयर रहा है. सो आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सेलिब्रेशन. सो मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद हैं. इनफैक्ट मैं साड़ियाँ बहुत सालों से पहन रही हूँ और यूजुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ. मैं कल से एक नया शो स्टार्ट कर रही हूँ जी के साथ. अभी मैंने वायाकॉम के साथ एक शो अभी रैप किया था 2 दिन पहले और अभी इमीडिएटली दूसरा शो स्टार्ट कर रही हूँ. सो आई थिंक इस साल का लाइनअप बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं. कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और आई थिंक हर आर्टिस्ट को वही चाहिए कि आप एक अलग 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 किरदार प्ले करते रहें. सो वो करने के लिए मिल रहा है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. ओ हेलो, कैसे? हाय, हाउ आर यू? थैंक यू. साकिब आ रहा है, मुझे पता नहीं था. ओ गुड. मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि साकिब ने बहुत अच्छा काम किया है. आई थिंक उसको अवार्ड मिलना चाहिए. उसने रंगबाज में बहुत ही बेहतरीन काम किया है और आई थिंक जब किसी आर्टिस्ट को उसके काम के लिए, उसकी मेहनत के लिए अवार्ड मिलता है तो आई थिंक दे वर्क हार्डर द नेक्स्ट टाइम. सो वेरी वेल डिजर्व फॉर साकिब फॉर श्योर. मैं एक सरकारी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर ज़्यादातर हमारे मेंबर्स हमारी फैमिली में या तो फिर पुलिस सर्विस में है, या तो फिर मेरी फैमिली में सब आर्मी के ऑफिसर्स हैं या नेवी में हैं या तो फिर एयरफोर्स में है. तो मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ यही देखा है कि गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए इतना प्रेम रहा है मेरे घर में, तो मैं वो देखते हुए बड़ी हुई हूँ.
चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब इलेक्शंस होते हैं तो मेरे माँ बाप दे मेक श्योर कि सुबह सुबह उठ के हम लोग पूरी फैमिली के साथ वोट देने जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो नहीं देते हैं वो एक अपना एज अ सिटीज़न एक अपना हक खो रहे हैं। अगर आपको अपना हक खोना है और आपको इस हक खोने की आदत है तो आई थिंक आप अपने आप को इस बार झकझोरिए और निकलिए अपने घरों से बाहर, क्योंकि ये आपका हक है। जैसे एजुकेशन और एक अच्छी ज़िंदगी जीना सबका एक हक है, वोट देना हर एक सिटीज़न का हक है, एंड आई डोंट थिंक ये हक किसी को खोना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के अपना मतदान करें, बहुत सोच समझ के जो सरकार चुननी है, जो अपने लीडर्स चुनने हैं उनको करिए। किसी का दबाव या किसी प्रेशर के अंडर किसी को वोट मत करिए। भगवान ने दिमाग दिया है, उसका थोड़ा इस्तेमाल करें और जाके मतदान करें। 26 11 के मैं क्या रिएक्शन दूँ? मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पर एडुकेशन ही नहीं महत्व दिया जाता है किसी को। जिस देश में एडुकेशन का महत्व नहीं है लोगों को, तो वो यही बेकार की बातें करेंगे। जो देश एडुकेटेड होता है वो देश कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। थोड़ा पैसा जो इलेक्शंस में जो जा रहा है, अगर लोग किसी की पढ़ाई में डाल दें, किसी बच्चे की पढ़ाई में, तो वो बच्चा बड़ा होकर ये फिजूल की बातें नहीं करेगा। वो बड़ा होकर दिमाग इस्तेमाल करेगा और बेकार की श्राप और नागिन और पता नहीं जो बकवास बातें होती हैं, पता नहीं यार। मैं तो मतलब इतनी एडुकेटेड फैमिली से हूँ तो मुझे जब मैं ये सब सुनती हूँ तो मेरे तो मतलब मेरा खून खौल उठता है। मेरी माँ पुलिस में है, 40 साल उन्होंने पुलिस में बिताए हैं। बहुत ग्लोरिफाइड लगता है और बहुत गंदा कभी कभी दिखाते हैं कि पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले वैसे हैं। मेरी माँ CBI में थी, there were days when 5-5 दिन तक मुझे पता नहीं रहता था कि मेरी माँ कहाँ है, because she was not allowed to have any contact with any of us, because as a CBI officer, my mother was not supposed to give out any information about what she is doing, where she is working, and I'm sorry, anybody who says anything against the police department, I would personally pull up that person, because मैंने मेरे घर पे वो culture देखा है, जहाँ पर officers इतना काम करते हैं और अगर कोई उनको मतलब गाली दे या उनको मतलब नीचे दिखाए या उनको या अब्यूज़ करे, आई फील कि वो बंदा मतलब बोलने लायक ही नहीं है। सो प्लीज़, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन उन्हें जो भी कहा है मेरी कोई सहमति नहीं है उससे। थोड़ा पढ़ाई करती, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती तो आज श्राप प्राप की बातें नहीं कर रही थी। सॉरी, मेरा बहुत खून खौल उठता है इन चीज़ों को सुनकर। किसे? धोनी, चेन्नई सुपर किंग। जहाँ धोनी वहाँ हमारा मन। थैंक यू। सुमित जी के पास एक सवाल था। माय पेरेंट्स आर नॉट देयर टुडे, सो थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dada Phalke Award, whoever suggested my name. Thank you. Shukriya. खुश हैं आप गाना देखते हैं? नहीं, एडिटिंग में बहुत काट दिया गया। सुनिए ना,
हाँ थोड़ी लंबी लगी। और मैं बाकी खुश ना, आप मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि आप बीच में नाराज। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। सलमान जी के साथ में काम कर रहे हैं आप? बस बोला तो है, अब जब होगा तब देखेंगे, आप भी देखेंगे। किसी से नाराजगी तो नहीं आपको? कभी नहीं। कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोग देख रहे हैं? नहीं, बस थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। हाय, लॉन्ग टाइम जी। जी, जिन्हें करता धरता माना जाता है इंडस्ट्री का, जिनसे सिनेमा की शुरुआत हुई, उनके नाम पर जो अवार्ड्स हैं, और ये जो अवार्ड्स हैं ख़ास तौर पर बहुत मायने रखते हैं, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अवार्ड्स हमेशा मुझे लगता है एक एक्टर्स की ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक अप्रिसिएशन होता है, और ख़ास तौर पर अगर एक नाम ऐसा जुड़ा हो जिन्होंने फिल्में शुरू की, सो दैट रियली मैटर्स अ लॉट। जी जी, मेरा जो भी काम होता है मैं सबसे पहले उन्हें दिखाना पसंद करती हूँ, और उनका सबसे पहले रिस्पांस आता है, दे आर फैमिली टू मी। तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि शबाना जी को कैसा लगा और जावेद साहब को कैसा लगा, एंड आई एम ग्लैड दे लाइक माय वर्क वेरी मच। और म्यूज़िक टीचर का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और जब तारीफ मिलती है तो ऑब्वियसली इट फील्स वेरी गुड। गदगद हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अवार्ड मिल रहा है, और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड, सो इट्स वेरी नाइस। मुझे लगता है अभी भी इतने साल बाद भी पेट में गुदगुदी होती है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, और जब आप स्टेज पर जाके अपना अवार्ड लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब तालियों की गड़गड़ाहट आती है। थैंक यू। हाय, थैंक यू, बहुत ही प्रभावशाली रहा है, शुक्रिया। आपका चुनाव सबसे ज़्यादा मतलब कुछ श्रेणी रहता है, इसके पीछे कोई सोची समझी बात होती है जब आप चुनते हैं? मेरी कल फिल्म म्यूज़िक टीचर का एक डायलॉग था कि मैं कई बार दिमाग से नहीं, दिल से ही काम लेना चाहिए, तो मेरा ज़्यादातर काम दिल से ही होता है, और जो दिल से ज़्यादातर काम होते हैं कभी गलत नहीं होते हैं। सो माई रोल्स, माई चॉइस ऑफ देम, माई फिल्म, आई थिंक ऑल इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू, यू टू, थैंक्स। मैडम इधर इधर, मैडम लेफ्ट में।
Sorry. It's okay, no problem. You're fine? Yeah.